देख सकते हैं इसका जो पेंशनर है लगभग वो है 332 रुपये का नया, और इसकी टाइमिंग बेल्ट है उसकी कीमत है 592। टाटा को ओरिजिनल है। तीसरा जो पार्ट बदल रहा हूँ अल्टरनेटर बेल्ट वो है 135 रुपये की। ये तीनों पार्ट इसमें नया लग रहे हैं, दिख रहे हैं। उन्होंने टाइमिंग चेन का कवर पूरा खोल दिया है, देख सकते हैं निकाल दिया है, ये पड़ा है। टाइमिंग चेन को यहाँ पे लॉक किया है, लेन की लगा है, देख सकते हैं। देखिए देख सकते हैं आप, एक क्रैक है यहाँ से ऊपर, देखिए कैसी हालत है इसकी। अभी क्यों हुआ ऐसे तो समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि ये मैंने बदला था 60,000 में, और टेंशनर भी बेकार हो चुका है। बेल्ट की हालत दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बेल्ट कभी भी टूटने वाली थी, अगर मैंने इसको चेक नहीं किया होता कल तो मेरी गाड़ी फिर से मेरी ब्रेक डाउन हो जाती। आप देख सकते हैं, ये देखिए बेल्ट का मैं जब होता तो अभी आप देख सकते हैं मेरी कार का पीछे का पूरा कवर खुला हुआ है। मैंने इसमें कल फर्स्ट में को मेरी कार में इंजन की जो टाइमिंग बेल्ट उसमें फिर से आवाज़ शुरू हो गया था, मैंने इसको जस्ट ओपन करके इसको चेक किया था। आप देख सकते हैं इंजन टाइमिंग बेल्ट कवर ये प्लास्टिक वाला है, इसको मैंने इसका बोल्ट यूज़ किए थे, इसको खोल के चेक किया तो मालूम पड़ा इसके बेल्ट में जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड 3-4 थ्रेड उसके वो पूरे कट चुके हैं, जिसके से बहुत जोर से आवाज़ आ रही थी। तो हमें कंफर्म करने के लिए चेक किया तो मालूम पड़ा उसमें प्रॉब्लम है, अभी बेल्ट घस चुकी है। 13,000 चलने के बाद ही मेरी बेल्ट दोबारा घस गई, तो अभी मैं निकल रहा हूँ इसको सर्विस सेंटर ले। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे चैनल राइड टू एडवेंचर में एक नए एपिसोड के साथ मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरी कार को लगभग 1 लाख से ऊपर हो चुका है रनिंग में, और अभी इसके जो किलोमीटर रीडिंग है लगभग 1,01,000 के करीब हो चुका है। और मैंने देखा कि मेरी कार में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो टाइमिंग बेल्ट की टूटने की, जो लास्ट मेरा 13,000 पहले टूटा था, जो कि मेरे बदलवाने के बाद 60,000 में बदलवाने के बाद उसके लगभग 25,000 किलोमीटर चली थी और वो टूट चुकी है। आप मेरा पिछले वीडियो में देख सकते हैं वो जो मेरी टाइमिंग बेल्ट डैमेज हुई थी। तो जो इशू हो रहा है मेरे हिसाब से तो कुछ मिस्टेक है, या टाइमिंग बेल्ट की सेटिंग में है, या कौन सी चीज़ की सेटिंग लगाने में हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम बार बार हो रही है। अभी तब लास्ट टाइम से बदलने के बाद इसको लगभग मैंने ज़्यादा नहीं चलाया गाड़ी को, थोड़ा ही चलाया है, तो मुझे लकीली अपने से पहले पता चल गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं टूटी थी तो मुझे सेम नॉइज़ शुरू हो गई थी। और अभी आप लोग ने सब कभी फील किया कि नहीं पता नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं लास्ट टाइम लॉन्ग ट्रिप में गया था उत्तराखंड, तो मैं जब उत्तराखंड से रिटर्न आ रहा था तो नासिक पहुँचते ही मुझे वो वॉइस शुरू हो गई थी, एक अलग ही टाइप टिक 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 आवाज़ आती है इंजन से, तो वो टाइमिंग बेल्ट की आवाज़ आती है, क्योंकि उस पर जब घस जाते जाते और वो तो आवाज़ करने लगती है, तो उस वजह से ये नॉइज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। और अगर आप देखेंगे तो ये नॉइज़ जो आती है ये स्टार्टिंग के टाइम पे ही आएगी, आपको कंटिन्यूस नहीं आएगी, तो आपको लगेगा कि टेम्प्रेरी वॉइस थी ये जो चली गई। अब क्या रीज़न है कि शायद बेल्ट गर्म होने के बाद वो आवाज़ बंद हो जाती होगी, उसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। देखिए कि पहले अल्टरनेटर का बेल्ट यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर का टाइमिंग बेल्ट बाहर आएगा। उसको लूज़ किया है, ये देख सकते हैं अल्टरनेट के बेल्ट ये निकाल के रखा दिया है। यहाँ पर बोल्ट रखे हैं, ये वाला बोल्ट और वो ऊपर का बोल्ट, इसको लूज़ किया है, अल्टरनेट खुल रहा है और बेल्ट भी लूज़ करके बाहर निकाला है। कंप्रेसर का पल्ली को लूज़ कर रहे हैं, एसी बेल्ट भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही टाइमिंग बेल्ट का कवर दिखाई देगा नीचे की तरफ से। देख सकते हैं अल्टरनेटर की बेल्ट है, ये अभी चलेगी कि नहीं देखना पड़ेगा इसको भी। दांत तो सही दिख रहे हैं, बाकी डैमेज कितना बंद देखना इसको।
लेकिन कई कई जगह से दिखता है फट गया है, आप देख सकते हैं कई कई जगह से क्रॉक्स दिख रहे हैं। उन्होंने टाइमिंग चेन का कवर पूरा खोल दिया है, देख सकते हैं निकाल दिया है, ये पड़ा है सर, टाइमिंग चेन को यहाँ पे लॉक किया है, लिंक की लगा है, पाइप ला रे, पाइप ले लो, देख सकते हैं अभी टाइमिंग चेन को लॉक किया है जैसा, और अभी कुंडली ओपन हो रही है, वो वाले की जो दिखाया था मैंने आपको, और वो एल एन की से लॉक किया है, घर वगैरह कितने एल एन की से लॉक किया है। ये एक नहीं निकाला देख सकते, ये एसी और अल्टरनेटर का बल्ब इसमें लगा रहता है, टाइमिंग चेन का कवर नीचे साइड से ओपन कर दिया है, देख सकते हैं सारे कलर यहाँ पे, देख सकते हैं निकाले हैं और वो नीचे भी आ सकते हैं, टाइमिंग चेन के साइड पे, और मतलब अभी देखता वो लग रहा है, देख सकते हैं लॉक भी है, एल एन की लगा के जैसे लॉक किया है टाइमिंग चेन का। देख सकते हो ये टेंशनर निकाला है इन्होंने, टेंशनर की हालत देख सकते हो क्या हो रखी है, ये टेंशनर भी देखिए यहाँ से हल्का हल्का क्रैक हो रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये क्रैक है यहाँ से, ये ऊपर देखिए कैसी हालत है इसकी, अभी क्यों हुआ ऐसे तो समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि ये मैंने बदला था 60,000 में, और टेंशनर भी बेकार हो चुका है। बेल्ट की हालत दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बेल्ट कभी भी टूटने वाली थी, अगर मैंने इसको चेक नहीं किया होता कल तो मेरी गाड़ी फिर से मेरी ब्रेक डाउन हो जाती है, आप देख सकते हैं, ये देखिए बेल्ट का मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मैंने कल चेक किया था घर पे ही, उसके बाद मैं समझ गया कि बेल्ट कभी टूट सकती है, ये देखिए, अभी मैं अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे प्लान किया होता और रास्ते में प्रॉब्लम हो जाती है, समझ सकते हैं कितनी समस्या है गर्मी में गाड़ी अगर खड़ी हुई जगह पर, तो ये सारी समस्याएँ हैं नैनो में भी, तो अगर आप गाड़ी को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, गाड़ी में अगर आपकी आवाज़ बदल रही है इंजन की तरफ आपको इमीडिएटली इस पर ध्यान देना है कि समस्या क्यों आ रही है, आवाज़ बदल क्यों रही है, यानी ये बेल्ट अब किसी काम की नहीं रह गई है, ये बेल्ट पूरी डैमेज हो चुकी है, थोड़ी ही बची थी और कभी भी धोखा दे सकते थे मेरी नैनो, तो जो भी समय रहते मैंने इसकी आवाज़ पर ध्यान दिया मेरी कार पर, और मैंने गाड़ी चालू कंडीशन में सर्विस सेंटर में दिखा के बेल्ट आज मैं इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ, और देखते हैं अभी क्या आगे परफॉर्म करती है कि नहीं, करवा देते टेंशनर भी चेंज करवा देते, टेंशनर भी आप देख सकते हैं ख़राब हो चुका है, इसको भी बदलवा देता हूँ मैं आज, आप देख सकते हैं इसका जो टेंशनर है लगभग वो है 332 रुपये का नया, और इसकी टाइमिंग बेल्ट है उसकी कीमत है 592, टाटा को ओरिजिनल है, तीसरा जो पार्ट बदल रहा हूँ अल्टरनेटर बेल्ट वो है 135 रुपये की, ये तीनों पार्ट इसमें नया लग रहे हैं, पुराने की तो कंडीशन बहुत ही बुरी आप देख सकते हैं, और नया वाला भी इसमें फिट कर रहे हैं, उन्होंने फिट कर दिया है बेल्ट हो गया, ये पुराने कंपनी के टाइम में मत लगाना चेक करके लगा था, भरोसा नहीं पैक कर देते हैं हम, कल को जाने वाले मेरे कस्टमर में, अभी देखिए अल्टरनेटर बल्ब देखिए कैसी है, नए बेल्ट का देख सकते हैं दांते कैसा है, ये अल्टरनेटर बल्ब आप देखिए, ये देखिए आप कितने दांते देख सकते हैं साइड से, देखिए एकदम परफेक्ट कंडीशन में, कहीं भी कटा हुआ नहीं दिख रहा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटर बल्ब बहुत ज़रूरी है, अगर डैमेज हो गए तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी और गाड़ी की बैटरी चार्ज जाएगी रास्ते में, यहाँ पर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, छोटी सी चीज़ है लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो जल्दी मिलती नहीं है, और मैं आपको ये पुरानी दिखाना चाहूँगा तो आपको साफ समझ में आएगा,
अब ये देखिए पुराने, अब देख सकते क्रैक हो चुकी है, ध्यान से देखोगे तो सब क्रैक दिख रहा है, देखिए तो डैमेज हो चुकी है, कभी भी इसका दांत टूट के बाहर निकल सकते हैं, ये देखिए। तो ये फ़र्क होता है बेल्ट में डैमेज होने के बाद में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, जबकि ये हार्ड से भी एकदम कड़क है, तो ये अल्टरनेटर की बेल्ट बदल रहा हूँ मैं। देख सकते हैं अभी बेल्ट फिट कर दिया है, अब टाइट करेंगे बेल्ट को, कंटेनर को। देख सकते हैं नई बेल्ट लगा दी है मैंने, यहाँ पे नई टाइमिंग बेल्ट लगा दी मैंने। देख सकते टाइपिंग कवर भी इन्होंने खोला है, यहाँ से इन्होंने लॉक करके रखा है टाइमिंग मैच करने के लिए। यहाँ से और नीचे के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एलएनजी से लॉक करते हैं लोग, तो मैंने दिखाया था पहले भी। देख सकते हैं यहाँ पे एलएनजी से लॉक किया हुआ है, आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन फिट कर दिया है, नीचे का जो भी पुली वगैरह उसको फिटिंग कर रहे हैं, फाइनल टच दे रहे हैं अभी, और अभी देखते हैं। जोन लॉक करने के लिए वही सब बताता हूँ, मेरे सबके एलएनजी सामने लगा हुआ है, मेरे सबके एलएनजी लगा है इधर पे, ये वाला एलएनजी, उसको जाने पे टाइमिंग जोन को लॉक किया है। A few moments later, और आज का मेरा जो बिल हुआ है टोटल हुआ है 1743, आपको दिखाना चाहूँ कैमरे में, देख सकते हैं। और ये टोटल मेरा रसीट है पेमेंट का, बिल जो है इसमें हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ, राइट, ये देख सकते हैं। तो मेरा टोटल जो चार्ज लिया है 1743, और वो जो मैंने आपको प्राइसिंग पहले दिखाया था टेंशनर बेल्ट और उसका अल्टरनेटर बेल्ट, तीन चीज़ बदली किया है, उसके साथ में लेबर भी इन्होंने लगाया है। टाइमिंग बेल्ट का मुझसे 400 रुपये लिया है, 160 रुपये अल्टरनेटर बेल्ट का लिया है, और जो भी चार्जेस पकड़ के इन्होंने लेबर जो टोटल में से लिया है वो कुछ 737, जो टोटल लेबर चार्ज घुमा फिर का पकड़ लेंगे, आज का टोटल जो मेरा पार्ट्स और लेबर मिला के 1747 743 हुआ, उसमें से मुझे 750 रुपये मुझे लेबर चार्ज देना पड़ा है, मान लीजिए मोटा मोटी 1000 रुपये का मेरा सामान हुआ है। ये जो बिल है मेरा यात्रा सर्विस सेंटर का ही बिल है, जो जैसे मैं रेगुलर सर्विस करता हूँ महाराष्ट्र मोटर से, तो इसमें थोड़ा डिस्काउंट तो उन्होंने दिया है 5% का, जो मुझे गोल्ड मेंबरशिप है मेरा टाटा का उसके तहत, तो इस तरह मेरी गाड़ी का काम मैंने आज कंप्लीट किया। तो जैसा कि आपने देखा मेरी कार में ये टाइमिंग बेल्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मेन कारण मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने कुछ ठीक से कारण बता नहीं पाए इतनी जल्दी क्यों जा रही है, बट इस बार तो टेंशनर भी आपने देखा था हल्का सा क्रैक था, और जो भी रीज़न रहा हो अभी मैं कुछ दिन इसको चला के देखता हूँ कि प्रॉब्लम फिर से आ रही है, 10,000-15,000 के बाद ही पता चलेगा कि बेल्ट इसके ऊपर फिट हुई है या कोई और समस्या आ रही है। तो जैसा भी हो मैं फिट में देता हूँ, तो बस आज के लिए इतना ही मेरे इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल राइड टू एडवेंचर विद धीरज।